चुका ओरिजिनल सिस्टम फर्स्ट स्कॉर्पियो एंड Z2 वेरिएंट रहना, जिसके अंदर ये अपग्रेड करने वाले हैं। फ्लोरिंग फुली कंप्लीट करी गई है, इसमें हम कस्टमाइज बूफर कर रहे हैं। डैम्पिंग का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आउटर फेस फुल ब्लैक के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। जेन्युइन DRL, इसकी प्राइसिंग पड़ती है 8,500 रुपए। ग्रिल अपना ये हाइड्रो डिपिन होता है पेंट, कि हमने बॉडी कलर पेंट दिया है। 18 इंची का प्राइस है 55,000 रुपए, 17 इंची का प्राइस है 45,000 रुपए, 5,500 रुपए, 11,500 रुपए। देखो भाई ये कुछ लुक मिल जाती है वाइपर अपना, और कॉस्टिंग पड़ती है 8,500 रुपए। आया था वर्किंग की अपग्रेड करी गई है, फिर से एक ब्लैक ब्यूटी आपके सामने रहने वाली है। तो अपना सॉफ्ट टच हुआ है, बोल सकते किसी एंगल से Z2 मॉडल है ये। 60 कैलिब्रेशन कम्प्लीट करी गई है, 0-0 फिटमेंट आपको मिलने वाली है। इसमें से कुछ रेटिंग देनी हो भाई क्वालिटी को लेकर, क्वालिटी के मामले में भैया को 10 में से 11 रेट देंगे। आज की वीडियो में शोकेस करने वाले भाई फिर से स्कॉर्पियो वैन का भरमार और एक हिमांशु भाई, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया भैया, क्या लेके अपनी ऑडियंस के लिए आज? स्कॉर्पियो वैन जो हम हर बारी लाते हैं, ठीक है। आज की लेकिन कुछ अलग दिखाने वाले, फिर से कुछ अलग दिखाने वाले, अपना Z2 वेरिएंट रहने वाले हो तो आप ठीक है भाई, बिल्कुल ब्लैंक गाड़ी आती है यहाँ पर और फुली कन्वर्जन दिखाने वाले हैं। अलॉय व्हील्स भैया ने लगवा रखे है इसके अंदर पहले से अपने आफ्टर मार्केट, और बाकी इसके अंदर क्या कुछ चेंजेस कर रहे हैं? इसको हम बाहर से पूरा बॉडी कलर पेंट कर रहे हैं, जितना भी मैट एरिया होता है, उसके बाद सारे बेस टू टॉप हो रहा है जो हम करते हैं, फॉग लाइट, हेडलाइट, ग्रिल, मिरर, सारे अंदर बाहर, ठीक है। मतलब जितना भी मैट फिनिश वाला पार्ट है ये वाला व्हील आग लगा लो, फिर साइड ग्लाइडिंग्स लगा लो, ये पूरी कन्वर्ट कर रहे हैं बॉडी पार्ट के अंदर जो अपना ब्लैक फिनिश के अंदर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर दिखा दो भाई मिरर में चेंजेस कर रहे हैं, मिरर ऑटो फोल्ड हो रहा है, ठीक है। ऑटो फोल्ड मिरर हैंडल्स पेंट हो रहे हैं अंदर, यहाँ पर भाई पूरी गाड़ी खुल रखी है। अंदर में क्या कुछ कर रहे हैं अभी के लिए? पूरा इंटीरियर है इसमें सॉफ्ट टच सारा। इंटीरियर कौन से कलर में होने वाला है? ये अपना ब्लैक और रेड के थीम में, जैसे हम इससे पहले कर चुके नाइट राइड वैसे, ठीक है। तो भाई इसके अंदर अपग्रेड करने वाले हैं, पूरा डैशबोर्ड यहाँ पर खुला हुआ है, सॉफ्ट टच में कन्वर्ट करने वाले है। यहाँ पर अंदर दिखा दूं अपना, यहाँ पर फ्लोरिंग का प्रोसेस कंप्लीट करा गया है, अपना डाई वाला फ्लोरिंग रहता है प्रॉपर, कहीं से आप देख सकते हो रिंकल नहीं है। देखो फ्लोरिंग फुली कंप्लीट करी गई है, बैक एंड तक आपको मिलने वाली है। क्या बेनिफिट रहते भाई इनके? ये अपना बेसिकली कारपेट जो होता है नीचे उसको सेफ करने के लिए होता है, ठीक है। इसको साफ करना इजी हो जाता है, ऐसे पानी वानी कुछ भी गिरेगा ना बॉडी में जंग नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर भाई पूरी रूफ खुल चुकी है, पूरी गाड़ी खुली हुई है अंदर से पूरी, बाहर से देख लो भाई पूरी गाड़ी यहाँ पर खोल दी है, दिल में दर्द हो जाएगा बहुत लोगों को देख के। रूफ रेल्स अपग्रेड कर रहे हैं इसके अंदर भाई, पहले इसमें रूफ रेल है वो भी ब्लैक फिनिश में ही रहने वाली है मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि फुली आउटर फेस ब्लैक में रखा जाएगा। फुटरश अपग्रेड कर चुके हैं ब्लैक फिनिश के अंदर, ये लुक मिल जाती है, ठीक है। फुटरश लगा हुआ था, अलॉय व्हील्स ने बहुत ज्यादा लुक एनहांस कर रखी है इसके अंदर। बैक एंड में भाई देखो ये रिच है आपकी, स्टारलाइट वारलाइट नहीं लगा रही क्या? नहीं, चलो वैसे चाहिए मिल जाती है, मिल जाती है, ठीक है। अंदर में भाई यहाँ पर टेल लाइट वेल लाइट पूरा खुला हुआ है, पूरा गाड़ी खुला है अंदर और बाहर सारा ही। हिमांशु भाई बात कर ले, पीछे वाला पार्ट भी पूरा खोल रखा भाई, इसमें हम कस्टमाइज बूफर कर रहे हैं, ठीक है। पहले डैम्पिंग करी जा रही है उसके लिए, पहले इसमें डैम्पिंग होगा पूरा प्रॉपर, ठीक है भाई। मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है वैसे? ये जिससे कि बॉडी और इसमें जो स्पेस रहता है थोड़ा बहुत गैप होते हैं, जैसे ये हमारा बॉडी ज्वाइंट है ना वो गैप होता है, उसको भरने के लिए और वाइब्रेशन 1% ना है ना उसके लिए होता है। उसके बाद इस पर लकड़ी का बॉक्स लगा के बूफर डाल के फिर हम पूरा सेटअप, स्पीकर्स भी अपग्रेड कर देंगे एम के साथ ही, स्पीकर भी अपग्रेड है इसमें एम भी है और सिस्टम का भी अभी चलो भैया कह रहे हैं सोच रहे हैं, ठीक है भाई। देख लो पूरी Z2 खुली ऐसी कुछ लुक लगती है भाई, मैं कह रहा हूँ भाई डर जाएंगे लोग देख के, बिल्कुल हार्ट अटैक आने वाला है देखते ऐसे। तो नेक्स्ट हिमांशु भाई क्या तरीका दिखा रहे हो अब भाई? ये देखो ये आ चुका है ओरिजिनल सिस्टम फर्स्ट स्कॉर्पियो एंड Z2 वेरिएंट रहना, जिसके अंदर ये अपग्रेड करने वाले है। ये भाई अब बहुत लोगों को लगेगा ओरिजिनल है, ओरिजिनल है हिमांशु भाई, लेकिन क्या चेंजेस है इसके अंदर? ये अपना एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड है इसके अंदर Z2 के लिए, सब कुछ चलेगा, यूट्यूब, गूगल मैप, सब कुछ चलेगा। ये ओरिजिनल जैसे ओरिजिनल आता है Z4 Z6 में वैसे है, बट ये एंड्रॉइड है। देखो इसके लगने के बाद ना कोई भाई इसको बोल नहीं सकता कि भाई Z2 है। इस गाड़ी में हम पूरा कर सकते थे, बट इसी का कमी था, ये आ तो गया था 2 महीने पहले, बस इसके वजह से थोड़ा ये रुका हुआ था। और देखो भाई ग्लॉसी फ्रेम के साथ रहने वाला है, फिटमेंट भी बहुत इसकी बिल्कुल टक टू टक आएगी, बिल्कुल 0-0 भाई। देखो अंदर बस वो स्क्रीन लगती थी एंड्रॉइड लगती थी Z2, ये अपना सारा सिस्टम का काम चल रहा है, लग एंड प्ले है पूरी वायरिंग। ये अपना गाड़ी का कपलर, ये रहा ठीक है, इसमें हम अपना कपलर जोड़ दिया, जो भी 1% कटिंग हुआ वो हमारे कपलर, हमारे खुद के कपलर में, गाड़ी का कपलर ये रहा, रेडी हो गया। ये लग गई प्लग एंड प्ले वायरिंग और रेडी टू यूज है ना ये, बिल्कुल। इसमें स्पीकर में भी चेंजेस कर रहे हैं, हाँ इसमें स्पीकर भी है, इसमें JBL का लगा रहे GTO सीरीज, ठीक है। JBL अपग्रेड कर रहे हैं, इंटरफेयर का 4 चैनल है, ठीक है भाई। यहाँ से दिखाता हूँ थोड़ी कुछ वर्किंग चल रही है, पीछे देख लो भाई ये डैम्पिंग का प्रोसेस दिखाया था वो रखे अपने GTO, पीछे स्टेज 3 अपग्रेड करने वाले हैं।
कोएक्सियल सेटअप्स का, इंटरफायर का एम्प, और इनक्लोजर कौन सा है भाई? ये रखा हुआ JBL का। ठीक है तो भाई ये दिखाता हूँ, तेरा JBL 1300 वॉट क्वालिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम, बढ़िया तरीके से कोई भी काम करते हैं, वन टाइम वाला काम करवाते हैं, ये नहीं कि दो चार 5000 रुपए के लिए हम काम हल्के कर दे। और ये Z2 ऐसे है, फर्स्ट टाइम ऑन YouTube आपको देखने वाली फर्स्ट Z2 जिसके अंदर इतना प्रीमियम वर्क करा जा रहा है, प्रीमियम वर्क है और पूरा चीज A to Z बाहर से लेके अंदर तक, इंटीरियर से लेके स्टाइल का मजा दिया हिमांशु भाई। लेकिन ये गाड़ी दिन ही डिलीवरी आ जाएगा, कल दिन में देता मजा आया, दिन ये गाड़ी कल आई थी हमारे पास रात में, अगर दिन में आती तब तो आज हम इसको दिन में फाइनल कर देते भाई। चलो कोई नहीं, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि रात में जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से हम दिखाएंगे आपको। अंदर से आज आरफर वाला एक इंटीरियर भाई ने कर दिया फिर से ब्लैक फिनिश के अंदर, और सारा बता दो एक प्रीमियम क्वालिटी शोर पे काम हो रहा है, ऑटोमेटिक कार्डेक और पीछे वाइपर लगा रहे इसके अंदर। हाँ, पीछे वाइपर वर्किंग, वर्किंग वाइपर अपग्रेड करा जाएगा इसके अंदर Z2 मॉडल में। जो कुछ नहीं कैमरा लग गया अपना, कैमरे का कपलर ये रहा देख लो भाई, सब चीजें अपग्रेड कर रहे हैं, सीट कवर और अपनी सीट्स खुल चुकी है भाई यहां पर, ये भी अपना कस्टमाइज हुआ है। ठीक है, ब्लैक फिनिश के अंदर ये देख सकते हैं, ब्लैक और रेड, रेड। ठीक है भाई, तो बढ़िया लुकिंग मिलने वाली है, फिटमेंट भी अच्छी खासी मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पर दिखा लूँ डैम्पिंग का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, STP की डैम्पिंग करी गई है, प्लस फ्रंट एंड पे JBL GT अपग्रेड करे गए हैं, तो फ्रंट एंड पे कंपोनेंट्स आपको मिलने वाले हैं। और सेम फिनिश में बैक एंड पे भी दिखा दूँ, तो बैक एंड पे भी डैम्पिंग का प्रोसीजर कंप्लीट कर चुके हैं, और अपने कोएक्सियल सेटअप्स JBL स्टेज 3 के अंदर अपग्रेड करा गया है। फाइनली भाई यहाँ पर अपनी गाड़ी हो चुकी कंप्लीट, और पहले चेकआउट कर लो भाई आउटर फेस से ना भाई, ये गाड़ी क्या है, एक बेहतरीन लग रही है आपको, एक बिल्कुल बोलते हैं डेविल लुक, आउटर फेस फुल ब्लैक के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, मतलब स्कॉर्पियो मैन, और ये एक भरमार करा गया इसे कंप्लीट। तातन गिरेश भाई क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, आज की क्या कर दिया इस गाड़ी के अंदर भाई? आज टॉप से भी ऊपर बना दिया हम इसको भाई, मतलब ये गाड़ी ना भाई कोई एंगल से लग नहीं रही भाई कि Z2 मॉडल है। एक हेडलाइट छोड़ दो आप, क्योंकि इसमें टॉप मॉडल हेडलाइट में रोशनी नहीं है, इसलिए हम LED ज्यादा प्रेफर करते हैं। और भैया कुछ चीजें रोशनी तो हमने प्रेफर करा कि भाई LEDs में अपग्रेड कर रहा हूं, जब भी आपको अच्छी खासी ब्राइटनेस उसके अंदर मिल सकती है। फ्रंट में बात करें भाई, क्या कुछ चेंजेस करेंगे, प्राइसिंग बताई जाएगी? बिल्कुल भाई, A to Z। ठीक है भाई, फ्रंट से स्टार्ट कर लो भाई। फ्रंट से जेन्युइन DRL। ठीक है, महिंद्रा जेन्युइन DRL अपग्रेड करी गई है, जेन्युइन स्विच के साथ बर्तिन रहेगा, ये प्लग एंड प्ले सारा। ठीक है, प्राइसिंग, इसकी प्राइसिंग पड़ती है 8500 रुपए कम्प्लीट। ठीक है, 8500 कम्प्लीट, फॉग लाइट आपको कॉस्टिंग मिलने वाली है, हेडलाइट के अंदर आ जाओ। ठीक है, हेडलाइट के अंदर अपना 150 वॉट की LED डली है, इसकी स्टार्टिंग हो जाती है 3500 रुपए से अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, और भाई अब बात कर ले कि अगर किसी भाई को टॉप मॉडल ले चाहिए कितने में मिल जाएगी? 24000 रुपए दोनों पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रंट में ग्रिल में बात कर ले, ग्रिल अपना ये हाइड्रो डिपिन होता है पेंट। ठीक है, और ये स्लॉट भी ब्लैक हुआ है इसके अंदर। कितनी कॉस्टिंग पड़ जाएगी इसकी? कॉस्टिंग पड़ती है ड्रिल पेंट की 3250 रुपए। ठीक है, 3250 रुपए। ठीक है, फ्रंट में भाई यहाँ पर ये वाला पार्ट ना पूरा अपना मैट फिनिश के अंदर था, इसकी हमने बॉडी कलर पेंट दिया है। ठीक है, फुल मतलब एक थीम मैच करने के लिए पूरा कन्वर्ट करा गया भैया ने, बोला भाई टॉप मॉडल सबने बना ली, मेरे को अलग लुक तो फुल ब्लैक गाड़ी रखनी थी, इसलिए रूफ रेल भी ब्लैक लगा है। ठीक है, अपना सारा साइड क्लाइनिंग जो टॉप मॉडल है सिल्वर आता है, इसको भी हमने ब्लैक किया है, ग्लॉसी फिनिश के अंदर कन्वर्ट करा गया है। फ्रंट फेस में अगर बात कर ले, कैमरा भी मिलने वाला है 360 अपग्रेड करा गया बेस मॉडल के अंदर। यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है अपना कैलिब्रेशन का, जिसके अंदर फ्रंट एंड एंड बैक एंड पर मैट्स की प्लेसमेंट कर चुके हैं। और साइड फेस में बात कर लेना भाई, फिर से दिखा दूं एक बेहतरीन लुक जो आपको मिल रही है, क्या कुछ चेंजेस है साइड फेस के अंदर? साइड फेस के अंदर अपना भैया ने अलॉय व्हील आफ्टर मार्केट लगवा के आया था। ठीक है, किसी भाई को चाहिए हो जेन्युइन महिंद्रा के मिल जाते हैं 17-18 दोनों ही मिल जाते हैं अपने पास। कॉस्टिंग भाई कितनी रहती है? 55000 रुपए और 45000 रुपए। 18 इंची तक प्राइस है 55000 रुपए, 17 इंची तक प्राइस है 45000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर दिखा दूं भाई साइड फेस में ये वाली क्लैडिंग्स भी, ये मैट ब्लैक में आता है सारा। ठीक है, इस तो हमने बॉडी पेंट किया निपोलियन ब्लैक। देख लो भाई ये वाला पार्ट पूरा पेंट फिनिश के अंदर कंप्लीट करा गया है बैक एंड तक आपको देखने के लिए। साइड क्लैडिंग्स भी बात कर ले भाई, ये वाले भी पूरी अपनी कन्वर्ट करी ग्लॉसी फिनिश। Z2 मॉडल में फुटरेस नहीं आता, हमने टॉप मॉडल वाला फुटरेस भी डाला ब्लैक वाला। कॉस्टिंग कितनी पड़ती है भाई? 5500 रुपए। 5500 रुपए आपको मिल जाएगा महिंद्रा जेन्युइन फुटरेस। हैंडल्स भी पेंट करे गए हैं, पूरी बॉडी मैच। ठीक है, मिरर्स में चेंजेस की बात कर ले भाई। ऑटो फोल्ड मिरर भाई, ऑटो फोल्डिंग मिरर्स अपग्रेड करेंगे, कितनी कॉस्टिंग पड़ जाती है? 11500 रुपए। 11500 मिरर, ये भी अपना मैट फिनिश में आता है, इसको भी हमने बॉडी पेंट किया। ठीक है, 360 कैमरा अपग्रेड किया था, मिरर्स की प्लेसमेंट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा अपना कैमरा देखने के लिए। आउटर फेस डोर वाइजर्स वही विदाउट क्रोम लाइनिंग अपग्रेड करे गए, रूफ रेल ब्लैक। ठीक है, रूफ रेल की कॉस्टिंग कितनी पड़ जाती है भाई? रूफ रेल की कॉस्टिंग पड़ती है 6000 रुपए। 6000 रुपए में विद इंस्टॉलेशन सारा कंप्लीट, चाहे आपको सिल्वर वाली चाहिए या फिर ब्लैक वाली, ब्लैक वाली दोनों ऑप्शंस रहते हैं। बैक एंड में भाई स्पॉइलर नहीं लगा है इसके अंदर,
स्पॉइलर मिसिंग है, स्पॉइलर लगने वाला ऐसे अच्छा लगेगा भाई, ठीक है। बैक एंड में आपको स्पॉइलर का ऑप्शन रहता, कितनी कॉस्टिंग पड़ती है भाई? स्पॉइलर की कॉस्टिंग पड़ती है 6500 रुपए विद पेंट, ठीक है 6500 विद पेंट आपको मिल जाएगा। साइड में अपना पीछे का बम्पर ले लो आप, ये भी मैट ब्लैक में आता है, ये भी पूरा मैट फिनिश के अंदर था, ये भी पूरा यहाँ पर कन्वर्ट करा गया पेंट प्रोसीजर के साथ। रिफ्लेक्टर लाइट आफ्टर मार्केट मैट्रिक्स वाले, ठीक है भाई। इसको ऑन करने के बाद अंदर से जाके इसकी लुक भी दिखाया, तो भाई क्या कुछ लुक मिल जाती है आपको देखने के लिए बैक एंड में रिफ्लेक्टर्स के अंदर। देखो भाई ये कुछ लुक मिल जाती है, सिक्वेंशियल लुक इसको बोलते हैं, मैट्रिक्स में मिलने वाला पूरा ना, ये पूरा मैट्रिक्स में मिलने वाला, इंडिकेटर भी इसका सिक्वेंशियल में रहता है, ठीक है भाई। इसमें बैक एंड में भी मिल रही है, कैमरे की प्लेसमेंट अपग्रेड करेगी है, वाइपर वर्किंग है, डमी वर्थिन है। एक बार ऑन करवा दो भाई, तो अंदर से यहाँ पर ऑन भी करके दिखाता हूँ। देखो वाइपर अपना ऑन हो चुका है, वॉशर ऑन करना भाई एक बार, पानी नहीं वॉशर में, पानी नहीं है, चलो भाई चलो है तो भाई ये रहा पानी, अच्छा वर्किंग वाइपर डाल दिया, ठीक है। वर्किंग वाइपर कॉस्टिंग कॉस्टिंग पड़ती है 8500 रुपए विद फिटिंग कंप्लीट, वॉशर ब्लेड सब मोटर मिल जाएगा आपको यहाँ पर, वर्किंग वाइपर जो अपग्रेड करा गया है। बैक एंड में पूरी भाई यहाँ से भी लुक देख लो, कितनी बेहतरीन मिल रही है आपको देखने के लिए, एक बल्कि लुक और आउटर फेस में एक माफिया लुक होता है, वो पूरी अपग्रेड करी गई है। स्टोरी में फेमस ही माफिया के लेल है, ठीक है भाई। आउटर दिखा दे चले इंटीरियर के अंदर। अरे कितेश भाई जेड टू मॉडिफाई तो कर दिया, मतलब चाबी छोड़ दी गई। अरे नहीं भाई कैसी बात है, ये रहा रिमोट पी अपना, ठीक है तो भाई दिखा दो चालू करके लॉक अनलॉक। ये रहा लॉक क्या कुछ लुक मिल जाती है आपको डोर पैनल के ऊपर देखने में, इसके अंदर एमएस लाइट भी अपग्रेड करी गई है, तो ये पूरी लुक है। और ये फिर से एक ब्लैक ब्यूटी आपके सामने रहने वाली है जो अपग्रेड करा गया। डोर से बात करें क्या कुछ चेंजेस करे गए, ये अपना सॉफ्ट टच हुआ ब्लैक रेड के साथ, ये ब्लैक पियानो अपना टॉप मॉडल वाला रिप्लेसमेंट पार्ट रहने वाला, इनर हैंडल स्विच ग्रैब हैंडल अपना हाइड्रो डिप रहने वाला, और डिपिंग पीस के अंदर कन्वर्ट करा गया, मतलब रिप्लेसमेंट सिंचर रिप्लेसमेंट भी मिल जा रहा है अभी के लिए भैया ने डिपेंट कन्वर्ट करवाया पार्ट्स के ऊपर। इसके अंदर भाई अपने फ्रंट एंड पे स्पीकर्स भी अपग्रेड करे गए हैं, फ्रंट एंड में अपना GTO JBL लगा है, ठीक है। बैक एंड में स्टेज 3.8 अपना यहां पर इंक्लोजर भी अपग्रेड करा गया, ये देखो भाई डैम्पिंग और डैम्पिंग हुई है पूरी दारी अपनी, ये देखो डैम्प करी गई है, इंक्लोजर भी अपग्रेड करा गया, ये देख लो कितना डिफरेंस आपको डैम्पिंग के बाद मिलने वाला है। तो भाई यहाँ पर ये पूरा साउंड सेटअप भी इसके अंदर अच्छा अपग्रेड करा गया, बिल्कुल भाई एम्प भी लगाया, एम्प भी लगा है, सारा कंप्लीट वर्थ हुआ इसके अंदर। यहाँ से दिखाया तो भाई पूरी है गाड़ी, बस अभी क्लीनिंग का प्रोसेस होना बाकी है, कैलिब्रेशन के लिए गाड़ी आई थी। फ्रंट एंड में बात करें कितेश भाई डैशबोर्ड क्या चेंजेस करें, डैशबोर्ड में अपना सॉफ्ट टच हुआ है, ठीक है। इसकी फिनिशिंग आप और क्वालिटी देख सकते हो स्टिचिंग की, तो भाई ये देखो सॉफ्ट टच मिल रहा है इन पार्ट्स के ऊपर आपको देखने के लिए, स्टिचिंग क्वालिटी चेकआउट कर लो, कॉर्नर टू एज फिनिश, सिस्टम को भी छुपा देते हैं भाई। इसमें चलेंगे भाई सीट कवर, एक प्रीमियम सेगमेंट सीट कवर्स ब्लैक और रेड स्टिचिंग के साथ अपग्रेड करे गए हैं। स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कितने से बेसिक स्टार्टिंग है 8000 रुपए से, 8000 रुपए स्टार्टिंग मिल जाती है। आर्मरेस्ट भी कन्वर्ट करा गया सॉफ्ट टच के अंदर, कंसोल पूरा कन्वर्ट करा गया पियानो फिनिश के साथ, रिंग सिल्वर हुआ अपना, एसी वेंट का रिंग सिल्वर हुआ है, ठीक है ये भी अपना सिल्वर के अंदर कन्वर्ट करा गया है। डोर पैनल की लुक ये सामने है, टूटर सेश अपग्रेड हुआ प्लस पियानो हुआ है, पियानो फिनिश के अंदर कन्वर्ट करा गया, ये लुक मिल जाती है आपको भाई। कौन सा वेरिएंट दिखा रहे हो भाई, बाहर से Z2 अंदर से Z8 दिखा रहे हो, Z4 भाई Z2 वेरिएंट ही है ये, टॉप मॉडल वाला स्क्रीन लगा दिया इसमें, टॉप मॉडल वाला स्क्रीन लगा दिया। हां तो भाई देख लो फर्स्ट टाइम आपको दिखाया था हूं, Z2 के अंदर अपग्रेड करी गई है टॉप एंड वेरिएंट वाली अपनी स्क्रीन। अब भाई ये देखो बंद करना भाई इसको एक बार, उसको बंद कर देते भाई, कोई पूछ रहा था किसी एंगल से Z2 मॉडल है ये, किसी एंगल से Z2 में अपना एंड्रॉइड आता पूरा रिप्लेस कर चुके हैं, ये भी अपना एंड्रॉइड सेटअप ही रहता है, ऑन करना भाई इसको एक बार। तो भाई ये देखो पूरा एंड्रॉइड 360 के साथ करा गया, पहले इसको बैक कर देते हैं, तो ये लुक मिल जाती है आपको देखने के लिए, फर्स्ट टाइम इन Z2 अपग्रेड करा गया ये वाला सिस्टम। टच लेवल रिस्पॉन्स आपके सामने है, DSP सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, Z-Link के थ्रू वायरलेसली एप्पल कारप्ले के लिंक कर सकते हो। एक सबसे मेन चीज जो अपग्रेड करी गई है वो भी दिखाता, पहले गेट बंद कर लेते हैं। और भाई ये देखो 360 कैलिब्रेशन कंप्लीट करी गई है, 0-0 फिटमेंट आपको मिलने वाली है इसके अंदर देखने के लिए। इधर क्लिक करोगे इधर का व्यू, इधर क्लिक करोगे इधर का व्यू, इधर क्लिक करोगे इधर का व्यू, तो पूरी फिटमेंट जो करी गई ना एक टॉप नॉच क्वालिटी के अंदर कन्वर्ट करी गई है। इंडिकेटर देना भाई एक बार, तो इंडिकेटर देने पे देख लो यहाँ पर पूरा उस तरफ का व्यू आपको मिलने वाला है, और फिटमेंट भी बिल्कुल अच्छी है, और क्लियरिटी भी बोलते हैं टॉप नॉच क्वालिटी है। देखो भाई फ्रंट भाई क्लियरिटी में तो बोल नहीं सकता, ये पूरी HD क्लियरिटी है इसकी, मतलब टॉप मॉडल फील कर दी, फील कर दिया बिल्कुल। टॉप मॉडल में भी भाई आपको एंड्रॉइड मतलब ये नहीं मिलेगा, 360 कैमरा जो इसके अंदर अपग्रेड करा गया,
तो ये कुछ काम करवाना ना और ऐसा कुछ रिस्पॉन्स ही है तो हिमांशु भाई और गितेश भाई बेस्ट पर्सन आपके लिए रहने वाले हैं भाई। भाई भाई ये पूरी फिटमेंट दिखा दी, स्टेरिंग में चेंजेस नहीं करे भाई ज्यादा, स्टेरिंग में चेंजेस नहीं है। अगर किसी भाई को चाहिए तो अपने पास अवेलेबल होता है बटन, ग्लॉसी और मैट दोनों में, दोनों ऑप्शन रहने वाले हैं। अब भाई बात कर ले इस गाड़ी में मोटा मोटा कितना खर्चा आ गया, इस गाड़ी में मोटा मोटा 1.5 लाख का खर्चा है, 1.5 लाख का खर्चा है भाई इस गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर भाई आवाज सुना दे एक बार, बिल्कुल सुना दे भाई, कमेंट में बताना कैसी कुछ आवाज मिल रही है। बिल्कुल भैया आवाज में तो मजा ही आ जाएगा भाई, ये सारा काम कराना आना कहाँ पर है, थ्रोल बाद ऑटोमेटिक तार है तोर। ठीक है भाई देखो एमएस लाइट की लुक दिखाना भूल गया था, इसके अंदर मल्टीपल कलर ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, बटन भी ऑपरेट करेगा, ऐप कंट्रोल भी है, अभी के लिए हमने इसको रेड कर देते हैं क्योंकि ब्लैक एंड रेड थीम के अंदर रहने वाला है पूरा इंटीरियर। मल्टीपल पे सिंगल इसमें सनग्लास होल्डर लगना बच गया, वो भी अभी लगेगा, स्पॉइलर। ठीक है सारा काम महिंद्रा का जेन्युइन अपग्रेड करा, सारा जेन्युइन रहने वाला अपने पास। ठीक है भाई ऐसा कुछ प्रीमियम क्वालिटी वर्क करना आपको डील करना भाई हिमांशु भाई गितेश भाई के पास, ऑटोमेटिक कार डेकोर, लोकेशन रहती है डिस्क्रिप्शन के अंदर, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश और डिटेल्स है ले सकते हो। तो भाई साथ में अपने प्राउडर सर, क्या नाम है आपका? प्रीत सर। आपका? राहुल। कहाँ से आए थे सर? हम बेसिकली कुरुक्षेत्र से आए हैं। ठीक है स्पेशली भैया के पास कार मॉडिफाई कराने के। भैया के बारे में पता कैसे चला था? एक्चुअली हमने भैया की ना वीडियोस देखी थी। ठीक है ऑनलाइन काफी सारी, और भैया के भरोसे पे आ गए इतनी दूर? हाँ बिल्कुल जी। अब बात करें भरोसे पे आ तो गए, वो भरोसा कायम रखा भाई ने? बिल्कुल एकदम बढ़िया लग रही क्वालिटी। अब गाड़ी की लुक की बात कर ले, लग रही किसी अंगल से Z2 मॉडल? नहीं Z2 तो नहीं लग रही है सर। ये भाई ये Z8L प्रो बनी है यहाँ पर। बिल्कुल सर बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, अलग ही रेडी करा भैया ने, जितनी भी चीजें डील करी है क्वालिटी वर्क में डील करा गया। क्वालिटी वर्क काम है अपना। बात करें भैया क्वालिटी की, 10 में से कुछ रेटिंग देनी हो भाई क्वालिटी को लेकर? क्वालिटी के मामले में भैया को 10 में से 11 रेट देंगे। ठीक है ठीक है, काम भैया ने बिल्कुल किया है और अपनी कमिटमेंट पे काम करके दिया, जो समय भाई ने बोला था काम नेक्स्ट लेवल हुआ है, नेक्स्ट लेवल काम हुआ है और वर्थ इट लगा, और हमें गाइड भी किया है। कई बार हम कोई ऐसी चीज कोई चूज कर लेते थे जो कि कॉस्टली होती थी पर उतना वर्थ नहीं करता, तो भैया ने हमें बोला कि भाई आप ये रहने दो, हमें गाइड भी किया अच्छे से। ठीक है मतलब वो बड़ा काम नहीं है भैया का, भाई सिर्फ अपने पैसे बनाने पे ध्यान था, भैया ने फुल हमें मतलब जितने पैसे भी अब तक आपने खर्च करे वसूल लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं सर। और कोई भाई सोच रहा हो वसूल लिए? और भाई एक बात है एडिशनली, भैया की हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया, भैया ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, हमें 1% भी फील नहीं हुआ कि हम इतनी दूर से यहाँ पे आए हुए थे। हाँ ये भाई भी है साथ में, तो ये पूरा 3 नंबर ग्रुप आया है बढ़िया यहाँ पर कुरुक्षेत्र से, बढ़िया लगा यहाँ पर, बढ़िया लगा ना। थैंक्स टू दी जितेश भैया, हिमांशु भैया, करण भैया एंड थैंक यू आशीष भैया, चलो थैंक यू सो मच पूरी ऑटो कार मैजिक टीम की। तो कोई भाई सोच रहा हूँ आने के लिए स्कॉर्पियो लेके यहाँ पर, बढ़िया रहेगा भाई? बिल्कुल आ जाओ स्कॉर्पियो, आ जाओ मजा आ जाएगा, स्कॉर्पियो भी लेके आ जाओ। पर जो हमने यहाँ पे भैया काम देखा है ये मतलब हर गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं, स्पेशली स्कॉर्पियो की तो ज्यादा इनका हमने देखा है, पर ये और भी बहुत सारी गाड़ियाँ मॉडिफाई करते हैं। चलो भाई धन्यवाद भैया, धन्यवाद, थैंक यू भैया।